देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर टनकपुर से है। टनकपुर दिल्ली के बीच आज दौड़ी पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में सीमांत के लोगों को शुक्रवार को पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में नई रेलगाड़ी का तोहफा मिल गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से दोपहर 1:25 पर चंपावत के टनकपुर स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर टनकपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए माँ पूर्णागिरी नाम से जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया गया है। शुक्रवार को टनकपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, सांसद अजय डमटा और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। जाने वाली जन शताब्दी के आज के शुभारंभ के अवसर पर हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय पीयूष गोयल जी के द्वारा इस शुभारंभ पर शुरुआत करके जो मेरे क्षेत्र पूरा नगर पाटे पर चंपावत सीमांत क्षेत्र की मांग गौरव की हुई है, वो बड़े सौभाग्यशाली है कि आजादी के बाद पहली बार रेलवे कनेक्टिंग अगर किसी ने की तो अटल बिहारी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के 2017 में हुआ। और 2017 में जब इसका शुभारंभ हुआ, इसकी बड़ी लाइन भी, तो हमारी लगभग 5 ट्रेनें यहाँ से चल रही है। इस ट्रेन की बहुत बड़ी मांग हमारे क्षेत्र की जनता कर रही थी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली थी पीयूष गोयल जी के द्वारा इस कार्य को शुभारंभ किया। हम आप पूर्णागिरी के धाम को पूरे दुनिया से जोड़ने का काम किया है, जो अपने आप में एक विशेष उपलब्धि मेरे क्षेत्र की जनता के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय अपने अनिल बलूनी जी का, माननीय अजय भट्ट जी का बहुत बहुत, और हमारे वर्चुअल जुड़े थे हमारे निशंक जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी विधायक। देखिए, उत्तराखंड के अंदर लगातार जिस तरह से विकास के कार्य हो रही है, भारत सरकार की तरफ से आज एक ट्रेन रेल मंत्रालय ने चलाई है, इससे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के एक बहुत बड़े जो जनसंख्या है इसको लाभ होगा। हमारी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उत्तराखंड में विकास के नए आयाम छूना चाहती है। नए नए कार्य हो रहे हैं, ऑल वेदर रोड बन रही है, ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेल कनेक्टिविटी आप देखिए रहे पूरे जिस तरह से हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, रोडों का काम चल रहा है, पूरी तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं और जनता हमको इसीलिए बार बार हमको अपना आशीर्वाद भी दे। जन शताब्दी टनकपुर से चल रही है, जिसका स्टॉपेज बनबसा और आगे आपको खटीमा के बाद जितना पर्वतीय क्षेत्र था, जितना हमारे आदमी के लोग हमारे दो तीन दिन नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर, तो वो लोगों को अब बहुत आसानी हो गई है। 4-5 और फिर अपने गंतव्य को जा सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।